हम बढ़े ये सेकंड पार्ट है इसका राजनीतिक अपराधीकरण के। तो जैसा हमने अगले वीडियो इससे पहले वीडियो में समझा था कि राजनीतिक अपराधीकरण किन वजह से होता है, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है या समस्या परिस्थितियाँ सामने आती है जिससे राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता है, तो वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में देख लिया है। आज हम देखेंगे कि राजनीति में अपराधीकरण हो जाता है तो इसके दुष्परिणाम क्या हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हैं। तो ध्यान रखना है ये राजनीति अपराधीकरण का सेकेंड पार्ट होगा और ये किससे रिलेटेड है तो ये पता रखना, अगर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, बीए फर्स्ट ईयर का ये पेपर है सेकंड। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दुष्ट अगण गाथा अनंत। यूनान में राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहते हैं और राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय राजनीति को अरस्तु है दृष्टि से नहीं देखता, बहुत अधिक सम्मान की दृष्टि से देखता है। उसके अनुसार राजनीति है, क्या है राजनीति, तो मानव समाज के कल्याण की व्यवस्था है, मानव समाज के कल्याण की व्यवस्था के रूप में कहा है। तो कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, क्या नाम है उसके ग्रंथ का, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में शब्द का राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उसने अपने ग्रंथ में राजधर्म शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने राजधर्म को बहुत अधिक उच्च स्थिति प्रदान की है और उसका आशय है कि राजनीति जीवन की समस्त व्यवस्था का निर्णायक तत्व, निर्धारक तत्व होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण के आशय ही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में अपराध गतिविधियों का प्रवेश, राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा अपराध आ जाते हैं, अपराध होने से गतिविधियाँ प्रभावित होती है और संसद विधानसभा के जब अपराधी तत्व प्रवेश पा लेते हैं तब राजनीति व्यवस्था की मूलभूत संस्थाएँ अपनी विश्वसनीयता खो देती है, देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था और व्यवस्था में विश्वास का क्षरण होता है, जिससे अधिक बुरी स्थिति और क्या हो सकती है, यह तो वायुमंडल में घोर प्रदूषण जैसी स्थिति है, दुष्परिणाम स्वतः स्पष्ट है। राजनीति का अपराधीकरण है तो इसी स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में गंभीर स्थिति है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि स्थिति में सुधार कर पाना, अपराध को नियंत्रित कर पाना संभव न हो, हर चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे अपराध को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो राजनीति में अपराधीकरण होगा दुष्परिणाम, तो दुष्परिणाम क्या होंगे बताएं, कि लोगों का राजनीति से मोह टूट जाएगा और हर बार ये जब अपराध या राजनीति में ही होगा तब जो योग्य व्यक्ति है वो राजनीति में नहीं आ पाएंगे, इलेक्शन जीत उनके हाथ में जीतना नहीं होगा, ठीक है ना। और शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था है यह इस अपराधीकरण का शिकार हो जाएगी। और जिस तरह से कह सकते राजनीतिक अपराधीकरण से क्या होता है कि लोकतंत्र का जो मूल तत्व गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र जैसे मूल्य रहते ही नहीं, जब इसमें अपराध बढ़ जाते हैं और अपराधीकरण की व्यवस्था के द्वारा राजनीति में ये एक तरह से जहर घोलने जैसी व्यवस्था है, जो राजनीति के जो उचित जो गुण होते हैं या जो उसका कर्तव्य होता है वो कर्तव्य पूर्ण रूप में सही नहीं हो पाता है। और इस तरह से दुष्परिणाम की लिस्ट लंबी है, लेकिन हम यहाँ पे इसके दुष्परिणाम के साथ साथ उपाय भी देखेंगे कि राजनीति के दुष्परिणाम, राजनीति के अपराधीकरण में जो अपराधीकरण जो हो रहा है इसको कैसे निपटें। तो इसके लिए आपको सबसे पहला ध्यान रखना है जो पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, आपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक की व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट। आपराधिक आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संलग्न व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर ये सिंपल सी बात है कि जो राजनीति में अपराध कहाँ से बढ़ता है, जहाँ चुनाव शुरू होता है, यानी चुनाव की वजह से, चुनाव जब शुरू हो जाता है तो चुनाव की वजह से ही राजनीति में अपराध है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो चुनाव में जो गलत तरीके के यानी अपराधी जैसे लोग हैं और वो चुनाव लड़ के राजनीति में आएंगे तो अपराध तो बढ़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए,
जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखा जाए कि वो अपराध गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है। तो अगर वो ऐसा है यानी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति हैं तो उनको चुनाव लड़वाने से रोक लगानी चाहिए, यानी पूरी तरह से चुनाव आयोग की व्यवस्था कर दे कि जो अपराधी अगर हैं तो अपराधियों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपराधिक गतिविधियां हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो राजनीति में अपराध को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को चुनाव में, जो अपराधी पृष्ठभूमि से हैं, जो अपराध करते हैं किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसको चुनाव लड़वाने पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से होगा क्या, अपराधी गतिविधियों का कुछ हद तक कंट्रोल जो व्यवस्था है वो हो सकती है। अपराधियों के सांसद बनने पर कोई कानूनी रोक का कारगर उपचार तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे कानून बना दिए जाएं जिससे राजनीति में अपराधीकरण से जुड़े, अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वह नहीं आ पाए, उनको वहीं पर रोक दिया जाए, वह चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाए उनको। तो इस तरह से पहला ये है कि अपराध गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति नहीं आ पाएंगे तो राजनीति के अपराध की ओर नहीं बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है आपराधिक कानून व्यवस्था। आपराधिक कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता। तो सेकंड पॉइंट में आप देखिए आपराधिक कानून व्यवस्था, यानी एक तरह से जो अपराधों के लिए जो कानून बना है, कानून की जो व्यवस्था की गई है आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए, और इसके बाद जब वो उसको न्याय दिलाने की जो व्यवस्था होती है उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्या है सुधार की ज़रूरत है, जो राजनीतिक गतिविधियों में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि उनकी अपराध गतिविधियों में, आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को रोकने के लिए जो आपराधिक कानून बने उनको और अच्छे कठोर किए जाएँ, यानी जो अपराध में लिप्त हैं व्यक्ति उनके लिए कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी प्रक्रिया के द्वारा वो व्यक्ति बरी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राजनीति में अपराध कर रहा है या आपराधिक गतिविधियों को पनपा रहा है या लोगों को अपराध के लिए उकसा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में चुनाव या चुनाव राजनीति में भाग लेने के लिए हमेशा से उस पर रोक लगाई दी जाए, यानी वह कभी भी राजनीति में भाग नहीं ले सकता। इस तरह के ऐसी कानून और दंड की व्यवस्था और आर्थिक दंड भी होना चाहिए, और न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि तुरंत ही आपराधिक गतिविधियों के ऊपर जो केस चल रहा है वो फटाफट निपटे। यानी कोई भी एक ऐसा मसला आ गया, एक ऐसा केस आ गया जो राजनीतिक आपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति के बारे में है, तो इस पर केस है या जो न्यायालय में जो ऐसा कोई मामला आता तो उसका तुरंत निपटारा होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कानून व्यवस्था और अच्छी और परिष्कृत और मजबूत हो जाए और न्याय है वो बहुत ही जल्दी मिले, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। क्योंकि अगर अपराध गतिविधियों पर फैसला धीरे धीरे आएगा, लेट आएगा, तब तक तो वह व्यक्ति और भी गलत कर सकता है। तो तुरंत ही फैसला दिया जाना चाहिए, सुनवाई जल्दी होनी चाहिए और उनके लिए कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तभी अपराध कम होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है तो देखिए आपको भी ध्यान रखना है कि तीसरे हम पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है शासन की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार। शासन की सत्ता एवं गुणवत्ता में सुधार, ये बहुत जरूरी है, ये व्यवस्था बहुत जरूरी है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है तो उन राजनीति के अंदर अपराध बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक संभव हो शासन की जो सत्ता है और सत्ता यानी जो काम जो किया जा रहा है सरकार के द्वारा और जो उसकी गुणवत्ता है उसमें और सुधार किया जाए।
सरकार उसी कहते हैं जो शासन कर सके और जो शासन करने में समर्थ हो। सरकार यदि शासन नहीं कर सकती तो उसके अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब प्रादेशिक और स्थानीय स्तर का शासन अपराधी और आतंकवादियों के सामने घुटने टेकता है तो प्रशासन और पुलिस बल तथा समाज के सभी भले व्यक्तियों के मनोबल में भारी गिरावट आ जाती है और अपराधी हीरो बन जाते हैं। इस स्थिति में युवा वर्ग भी अपराध की ओर प्रवृत्त होता है, क्योंकि अपराध है तो उसकी घोर निंदा और उसको अपराध सिद्ध करना चाहिए, तभी लोग ऐसा नहीं करेंगे। वरना वो अपराधी अगर अच्छा करे और कुछ नहीं कहे उसको तो वो हीरो बन जाता है, तो दूसरे लोग भी ऐसा करने को इच्छुक हो जाते हैं। गत 12 वर्षों में शासन के लज्जाजनक रूप में अपराधियों और आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने की नीति अपनाई गई है। शासन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किसी रुबैया, किसी राजकुमार, किसी सांसद, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के जीवन की बलि देनी पड़े तो 1 अरब की जनसंख्या वाले देश की व्यवस्था के हित में ऐसा अवश्य होना चाहिए। यानी शासन की सत्ता और गुणवत्ता में सुधार करना हो तो इसके लिए कोई मंत्री अगर करप्ट है तो उसको भले उसकी बलि देनी पड़े, यानी उसको हटा दिया जाना चाहिए, हमेशा के लिए राजनीति से हटा दें। क्योंकि 1 अरब जनसंख्या में अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं, 2-4 अगर उनको राजनीति में हटा भी दे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर उनको हटाने से अगर राजनीति शासन सत्ता है और राजनीति की जो सरकार की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है तो ऐसा करना चाहिए। यानी सरकार और सत्ता इसकी गुणवत्ता में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, जो कमियां हैं उसको दूर करें। क्योंकि 1-2 व्यक्ति अगर बाहर चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे देश के लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है और राजनीति में उसकी शासन सत्ता में गुणवत्ता का सुधार होना चाहिए। फिर है राजनीतिक दलों और राजनीतिक गतिविधियों में सुधार। तो देखिए राजनीतिक दलों व राजनीतिक गतिविधियों में सुधार करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार में आते हैं, अगर वे राजनीतिक दल ऐसे लोगों से साठगांठ करते हैं जो अपराधी हैं, जो करप्ट हैं, तो राजनीतिक दल को उन लोगों से संपर्क नहीं रखता है। होता क्या है, कभी देखा हो तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं ना वो संदेह पर चलते हैं, यानी दूसरे बड़े बड़े उद्योग घरानों से या अपराधियों से संदेह लेते हैं, उन संदेह के आधार पर, उन पैसों के आधार पर वो राजनीति में आते हैं। तो अगर गब्बर सिंह से 5 करोड़ लिया है संदेह के रूप में किसी दल ने और वह दल जीत जाता है तो वह दल क्या करेगा, वापस गब्बर सिंह को उसका फायदा देगा। मतलब उसका कोई गलत कारोबार चल रहा है तो सरकार उसको है ना और बढ़ावा देगी, उस पर रोक नहीं लगाएगी। तो इस तरह से राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो होना क्या चाहिए कि राजनीतिक दलों और राजनीतिक गतिविधियों में सुधार करना चाहिए। राजनीतिक जो गतिविधियाँ के अंतर्गत देखेंगे, राजनीतिक दल जो पार्टियाँ होती हैं, जो चुनाव जो चंदा लेती है उसको पारदर्शिता रखनी चाहिए, उसमें संदेह में पारदर्शिता रखनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए कि ये संदेह कहाँ से किसे लिया गया है और उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे तभी राजनीति में अपराध जैसी समस्याएं समाप्त होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट, तो चुनाव व्यवस्था में सुधार और राजनीति चुनावी राजनीति को व्यवस्थित करना। 5वां पॉइंट ध्यान रखना है, चुनाव व्यवस्था में सुधार। चुनाव व्यवस्था में सुधार करें और चुनावी राजनीति को व्यवस्थित करना। अब ध्यान देना है कि चुनाव व्यवस्था में सुधार करना है। सबसे पहले गड़बड़ी राजनीति में होने की संभावना कहाँ से होती है, चुनावों से होती है। कहाँ से होती है, चुनावों से होती है, क्योंकि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियाँ होती है वो गलत तरीके से गलत पैसे लेके गलत लोगों को राजनीति में लाकर व चुनाव में जीतवा कर राजनीति में प्रवेश करवाती है। तो गलत ढंग के लोग हैं जो लालच के लिए आते हैं, जो अपराध की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जब चुनाव जीत के आएंगे तो राजनीति में सुधार थोड़ी होगा। तो सबसे पहले राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने के लिए होना क्या चाहिए, चुनाव के समय जो धांधली हो रही है, चुनाव के समय जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है उस पर ध्यान रखा जाए। चुनाव में पूरी तरह से निष्पक्ष
और पारदर्शिता रखी जाए। जो भी दल हैं जो भाग ले रहे हैं उनके लिए कंडीशन ये रखनी है कि आप किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, और आप जो भी संदा ले रहे हो जिस भी व्यक्ति या संप्रदाय या जिस भी समिति जिस भी से जहाँ से भी आपको पैसा आ रहा है उसकी पूरी डिटेल व्यवस्था चुनाव आयोग को बतानी है और पारदर्शिता रखनी है। कोई भी गलत कार्य आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और चुनावी राजनीति को व्यवस्था उसकी व्यवस्था करना कि चुनाव में पैसों के आधार पर वोट न दिया जाए या किसी को गलत आधार पर जबरदस्ती की जो किडनैप करके उसकी जबरदस्ती उसका शोषण या उसके कह सकते सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाए। नहीं, राजनीति में अपराध को दूर करने के लिए चुनाव करवाने वाली व्यवस्था को सुधार करना है और राजनीति को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए नित प्रतिदिन नए नए सुधार करते रहना है। प्रेस और मीडिया को अपनी भूमिका के प्रति दायित्व। प्रेस एक मीडिया का अपनी भूमिका के प्रति दायित्व। आपको बताया ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यवस्था को ख़राब भी कर सकता है और उसको सुधार भी सकता है, ठीक है ना। तो होना ये चाहिए कि जो प्रेस मीडिया है ना वो राजनीति में अपराध गतिविधियों के साठ गांठ न करें। प्रेस मीडिया का उद्देश्य उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए कि जो भी गलत हो रहा है उस पर प्रकाश डालें और उस गलत चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि वे गलत चीज़ें कम से कम हो पाए और उसके बारे में जनता को जागरूक करें। तो मीडिया का यही काम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि प्रेस व मीडिया का अपनी भूमिका के प्रति दायित्व है वो पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए होता है। तो आगे इसमें देखें, प्रेस और मीडिया के वर्तमान समय की समस्त व्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है, लेकिन इसके बाहर अनेक प्रेस और मीडिया की इस भूमिका को उचित और पर्याप्त दायित्व बोध के साथ निभाते हैं। प्रेस और मीडिया एक व्यवसाय भी है और सभी घटनाओं और स्थितियों को रोचक रूप में प्रस्तुत करना उनकी व्यावसायिक सफलता के लिए उपयोगिता होती है, और अपनी इस व्यवस्था व्यावसायिक प्रवृत्ति पर कई बार उसका ध्यान अधिक केंद्रित हो जाता है और वे जाने अनजाने में अपराधियों को बड़े अपराधियों को महिमा मंडन कर देते हैं, अपराधियों की प्रतिष्ठा के साधन बन जाते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रेस और मीडिया अपनी भूमिका के प्रति अधिक सचेत होकर काम करें, क्योंकि हर किसी के मन में लालच होता है। तो जो प्रेस मीडिया है वो भी लालच के कारण क्या कर सकते हैं, अपराधियों के संबंध में जुड़ जाते हैं और अपराधियों की बड़ाई करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी मीडिया को पैसे दिए जाए तो वो उसकी खबर प्रसार करेगा, तो इस तरह से वो अपराधी हीरो बन जाता है। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस मीडिया का रोल ये होना चाहिए कि जो गलत है उनके प्रति प्रकाश डाले, उन गलतियों को समाज के सामने लाए, और ये मीडिया का काम होना चाहिए जिससे अपराध है वो दूर दूर तक होने की संभावना नहीं रहे। सातवां पॉइंट है, सामान्य अभिजन और मतदाताओं को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता। सामान्य अभिजन और मतदाताओं में अपने कर्तव्यों के प्रति और अपराध तब कम होगा जब सामान्य अभिजन और मतदाता हैं उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। वे भी ऐसे नहीं कि बिना अपने कर्तव्यों के गलत व्यक्तियों की संगत में गलत लोगों को वोट दे, नहीं होना ये चाहिए कि अपराध तब कम होगा जब अभिजन और मतदाता हैं वे अपने कर्तव्य के उनके प्रति जागरूक रहें। तो यहाँ पर देखना है कि वे जो अपने आप को बुद्धिजीवी तो अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं समाज का जागरूक वर्ग समझते हैं, यदि वे वस्तुतः बुद्धिजीवी और जागरूक हैं तो उनका समाज के प्रति कोई दायित्व बनता है और उनके द्वारा समाज की चेतना की दिशा में अपराधियों के राजनीति में प्रवेश और आगे बढ़ने में रुकावट के रूप में आगे बढ़ना सीख। यानी जो अपने आप को बुद्धिशील समझते हैं, जो उनको पता है कि मेरा कर्तव्य है राजनीति के प्रति, तो वे अपने कर्तव्य को निभाएं,
वे राजनीति में गलत लोगों के आने के प्रवेश पर रुकावट पैदा करें। इस तरह से गलत लोग जब राजनीति से जुड़ेंगे नहीं, आएंगे नहीं उसमें, तो राजनीति के अपराधकरण की जो व्यवस्था है वो बनेगी नहीं। तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में इन सबके अतिरिक्त सामान्य मतदाता की भी भूमिका होती है। सामान्य मतदाता के द्वारा इस बात का संकल्प धारण किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वे अपराध को अपना मत नहीं देंगे और अपराधी राजनीति के मार्ग में प्रत्येक संभव तरीके से रुकावट पैदा करेंगे। विधि वेता ननी पालीवाल का कहना है कि सही राजनीतिक दलों में गलत व्यक्ति की अपेक्षा गलत राजनीतिक दल में सही व्यक्ति को अपनाना उचित है। तो इस तरह से ये व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट ऐसे हैं जो राजनीति में अपराध की गतिविधियों रोकने में सफल होते हैं। तो इनके तहत आपराधिक गतिविधियाँ यानी राजनीतिक अपराधीकरण को रोका जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपराधीकरण राजनीतिक अपराधीकरण की दिशा में क्या महत्वपूर्ण सुधार है उसके तौर पे देखें। यहाँ पे राजनीतिक अपराधीकरण रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या फैसला रहा है, क्योंकि ऐसे बार बार कानून है बनने चाहिए तभी ये व्यवस्था संभव कम हो सकती है। तो 10 जुलाई ध्यान रखना है, 10 जुलाई 2013 को उच्चतम न्यायालय ने जनप्रतिनिधि कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया जो दोषी ठहराए गए कानून निर्माताओं यानी सांसदों और विधायकों उस न्यायालय में याचिका लंबित होने के आधार पर अयोग्यता के संरक्षण प्रदान करता था। तो कहने का मतलब है जो सांसद और विधायक थे, सांसद और विधायक थे यानी जो विधायक और सांसद थे तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों का मामला लंबित था, तो अयोग्यता के आधार पर संरक्षण प्रदान करना था। तो ये न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 की उपधारा 4 के अंतर्गत सांसद विधायक की अयोग्यता प्रभावी रहेगी। ये कानून आम आदमी और जनप्रतिनिधि कानून के तहत संरक्षण प्राप्त निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच भेदभाव का प्रावधान खत्म करता है। और एक और फैसले बाद में लिए गए, क्या प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद दोषबद्ध या बरी हुई है यहाँ, तो उस पर अर्थदंड या कैद की सजा सुनाई जा सकती है। यानी कोई अपराधी जो चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है तो वह अगर पहले से किसी अपराधी नामजद यानी दोष अब नामजद है किसी अपराध में और दोष से मुक्त या बरी है तो उसे आर्थिक दंड की सजा दी जाने की सजा सुनाई जाती है। तो इस तरह से सुझाव ये हैं जो प्रयास है वो किए जाने चाहिए। तो इस तरह से अपना ये लेसन पूरा होता है। और अब इससे संबंधित अगर कोई आपको डाउट रह जाए, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट हम इस अपने सेकंड पेपर का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। तब इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू।